सो हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो। तो कल मैंने सैमसंग गैलेक्सी M21 का सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने मेंशन किया था कि मेरा सैमसंग गैलेक्सी M21 एक दिन में 4-5 बार ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर मेरे सैमसंग गैलेक्सी M21 में तो हार्डवेयर प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पर मेरा जो कज़िन है वो सैमसंग गैलेक्सी M31 यूज़ कर रहा है, उसके फ़ोन में भी रिस्टार्टिंग प्रॉब्लम आ रहा था। तो मैंने उसका फ़ोन चेक किया तो यहाँ पर एक सेटिंग्स ऑन पड़ा था उसके फ़ोन में। तो वाला सेटिंग्स मैंने ऑफ़ करने के बाद यहाँ पर उसका रिस्टार्टिंग प्रॉब्लम बंद हो गया है। तो यहाँ पर अगर आपका फ़ोन भी रिस्टार्ट हो रहा है, मतलब कि अगर आपका फ़ोन कोई भी एम सीरीज़ हो या एफ सीरीज़ हो, वाला सेटिंग ये वाला सेटिंग्स ऑफ़ करने के बाद आपका रिस्टार्टिंग प्रॉब्लम बंद हो गया है, तो इस वीडियो को लाइक करो। तो पहले आपको क्या करना होगा, आपको सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको बैटरी एंड डिवाइस केयर में जाना होगा। बैटरी एंड डिवाइस केयर में जाने के बाद यहाँ पर ये जो 3 डॉट है वहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑटोमेशन वाला ऑप्शन में दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऑटो ऑप्टिमाइज डेली, ऑटो रिस्टार्ट एट सेट टाइम्स, ये वाला ऑप्शन ऑन होगा। तो ये वाला दोनों ऑप्शन को आपको ऑफ करके रखना है। ऑफ करके रखने के बाद आप चेक करके देखो कि आपका फ़ोन रिस्टार्ट हो रहा है या नहीं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। धन्यवाद।